दोस्तों आज मेरे पास है वीवो का ब्रांड न्यू फ़ोन वीवो V40 5G। आप यहाँ पे देख लीजिए और इस फोन में रहने वाला है भाई IP68 रेटिंग। तो इसीलिए बहुत सारे भाई लोग जानना चाहते हैं ये फ़ोन वाटरप्रूफ है कि नहीं। ऐसे भी अभी बारिश का मौसम, अगर आपका फ़ोन गलती से हाथों से पानी में पड़ जाए तो क्या प्रॉब्लम वगैरह आएगा, वो दिखाने के लिए आज मैं वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टास्क देखो यार, काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है देखो यार, और पावर बटन भी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। फिंगरप्रिंट भी अच्छा है, यहाँ पे देख लीजिए फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करे। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करे। कैमरा का एक पिक्चर ले लेते हैं, कैमरा भी देखो यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करे। चलो आप मैं म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ साउंड क्वालिटी कैसे है। यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करे। चलो आप फ़ोन को रखता हूँ और मेरे पास पूरी की पूरी 1 लीटर पानी है, पूरी पानी इसमें डालने वाला। चलो इस डब्बा के अंदर फ़ोन को रखता हूँ और मेरे पास जो 1 लीटर पानी है चलो इसको पूरी की पूरी मैं डालता हूँ। चलो 1 2 3 मैं पानी डालता हूँ। मैं जितने टाइम तक पानी डालता हूँ आप वीडियो में लाइक कर दो यार। और भाई साहब फाइनली मैंने पूरी के पूरे 1 लीटर पानी दे दिया हूँ और स्टॉप वॉच को मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो कर रहा हूँ भाई बहुत मेहनत लगता है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपने वीडियो में एक लाइक अभी तक नहीं किया तो भाई क्या कर रही हो यार, एक लाइक कर दो। और इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो इसी तरह वीडियो मेरे से देखने के लिए। ये फ़ोन डैमेज भी हो सकता है तो इसलिए कह रहा हूँ आप ये वीडियो देख के घर में मत ट्राई करना फ़ोन, तो आपका फ़ोन में डैमेज भी हो सकता है। तो मैं जो वीडियो करूँ मेरे फ़ोन में भी डैमेज हो सकता है। तो चलो फ़ोन को मैं पलट दो और देखते काम कर रहे कि नहीं। यहाँ पे पावर बटन काम कर रहे देखो यार काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं वो देखते। यहाँ पे डिस्प्ले काम नहीं कर रहे, ऑब्वियसली पानी के अंदर डिस्प्ले काम नहीं करता है, यहाँ पे भी डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो चलो यहाँ पे 1 मिनट हो गया देखो यार, और फ़ोन को मैं उठाता हूँ और आप चलो यहाँ पे क्या करेंगे तो जो कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके पानी में छोड़ के देखते हैं या फिर रिकॉर्डिंग चल पाता है कि नहीं यहाँ पे पानी के अंदर। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है देखो यार, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का संबल वगैरह दिखाई दे रहा है, और पानी में छोड़ के यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यार पानी के अंदर भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसी तरह और कुछ टाइम इसमें पानी के अंदर रहने दीजिए, उसके बाद उठाएंगे हम। तो भाई साहब यहाँ पे 3 मिनट हो गया फ़ोन को मैं उठा तो अभी भी रिकॉर्डिंग चल रहा है देखो यार। चलो रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। तो क्लीन का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया, फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है देखो यार, टैप करो ओपन हो रहा है। और यहाँ पे पावर बटन भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले टच देखो यार काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। पावर बटन भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम हो रहा है देख लीजिए, और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी देखो यार काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और आप चलो फ्लैश लाइट जला के देखे देते हैं, फ्लैश लाइट भी जल रहा है देखो यार, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आप म्यूजिक प्ले करते हैं, साउंड पहले जैसा सेम ही है, स्पीकर में यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा का एक पिक्चर ले लेते हैं चलो यहाँ पे, तो कैमरा पिक्चर भी देखो यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करे, प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा बम के अंदर पानी वगैरह भी बिल्कुल यहाँ पे नहीं गया। आप चार्ज भी देखो यार अच्छी तरीके से हो रहा है, और चार्ज में लगा के देख लेते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो भाई साहब देखो यार यहाँ पे चार्ज हो रहा है, चार्जिंग का संबल वगैरह दिखाई दे रहा है देखो यार, यहाँ पे चार्ज जो हो रहा है चार्जिंग में भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वाटर टेस्ट करने के बाद अभी तक इस फ़ोन में मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। अगर बाद में प्रॉब्लम वगैरह आएगा तो फुल रिव्यू में आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूँगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।